हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज हम लोग सीख रहे हैं मटर और फूल गोभी का हेल्दी सा रेसिपी, जिसके लिए फूल गोभी साफ करना तो बहुत ही ज़रूरी है। फूल गोभी में कीड़ा रहता है, बहुत टाइम हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, अंदर रहते हैं छोटे छोटे। इसके लिए हम लोग एक चम्मच नमक पानी में ऐड करके फूल गोभी का पीसेस यहाँ पे भिगो के रखेंगे 10 मिनट के लिए, जिससे अगर कीड़ा रहेगा तो वो निकल आएगा। तो इसे 10 मिनट के लिए रख लेते हैं। और क्या चाहिए? आलू। आलू यहाँ पे मीडियम साइज का 2 ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ करके कट कर लिया है। कैसे भी साइज में आप छोटे बड़े पीसेस में कट कर सकते हो। सबसे पहले शुरू करते हैं बनाना। इसे पैन मिठा के कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कोई भी ऑयल आप लोग यूज़ कर सकते हो। आलू को हम लोग फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे डाल दिया है आलू और अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसके साथ। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इस आलू को हम लोगों को फ्राई करना है। हो गया है यहाँ पे मिक्स्ड, बहुत ही अच्छे से हो रहा है, आप लोग देख रहे हो। अब ना मैं इसे ढक दूँगी, तक उसके पहले एक चुटकी भर नमक डाल देंगे। नमक डाल देने से आलू बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं चुटकियों में। तो इसे अब ना ढक देते हैं। आलू यहाँ पर फ्राई हो रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं मसाले में क्या चाहिए। मटर यहाँ पे ले लिया है मैंने 100 ग्राम, 2 मुट्ठी भर यहाँ पे है। और ले लिया है अदरक, अदरक एक बड़े पीसेस का यहाँ पे है। एक टमाटर, और मैं ले रही हूँ मिर्चा, हरा मिर्चा ले रही हूँ मैं 4, तीखा अपने अनुसार। मसाला में आप लोग देख रहे हो हम लोग ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। बीच में एक बार ना आलू देख लेते हैं जल तो नहीं रहे हैं, फिर से एक बार चला देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है, फिर से इसे होने देते हैं। आलू को ना लगभग बहुत यहाँ पे अभी भी आलू नरम नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से नरम होने लगेगा तब तक इसे हम लोग फ्राई करेंगे। फिर इसे ढक के होने देते हैं और हम लोग मसाला पीस लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो अदरक मैंने छोटे पीसेस में कर लिया है। आलू यहाँ पे हो गया है, आलू हम लोग पैन खाली करके उतार लेते हैं। फूल गोभी बहुत ही अच्छे से धुल लिया है, साफ कर लिया है। इसे आप तेल के साथ बहुत ही अच्छे से अलट पलट के मिक्स कर लेंगे। फूल गोभी जब भी आप लोग कढ़ाई में डालो तो गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और ढकना नहीं है। फूल गोभी ढक देने से ना फूल गोभी में से पानी छोड़ने लगता है और इसमें से उबला उबला सा स्वाद आने लगता है, फ्राई वाला स्वाद नहीं आता है। रोज़ एक जैसा फूल गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग चाहते हो न्यू कुछ ट्राई करना, वो भी हेल्दी, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। थोड़ा सा एक चुटकी नमक यहाँ पे भी मैं यूज़ करूँगी ताकि बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाए। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब डालूँगी थोड़ा सा हल्दी, 1/2 टीस्पून तक यहाँ पे हल्दी डाल दूँगी, जिससे क्या होगा फूल गोभी का कलर भी चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा। अब इसे होने देते हैं फ्राई, तब तक हम लोग देख लेते हैं मसाला कैसे हम लोगों ने पेस्ट किया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मसाला बिल्कुल जैसे महीन पेस्ट होना है। यहाँ पे फूल गोभी हो गया है, हम लोग इसे उतार लेंगे। आप लोग देख रहे हो फूल गोभी जला भी नहीं है, पर इसका एक कलर आया है जैसे कि ये फ्राई हो गया है। तो इसी टाइम हम लोग उतार लेंगे, बिना देर किए उतार लेते हैं। नए तरीके से टेस्टी और हेल्दी रेसिपी देखने के लिए लव किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर हम लोग फिर से तेल डाल दे रहे हैं। तेल आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। एक बड़े साइज का प्याज यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है, और चॉप करके ना हाथों से क्रश कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ना स्पैचुला से उसे दबा दबा के तोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, जब भी आप लोग प्याज फ्राई करो तो हाथों से थोड़ा सा क्रश करके फिर आप लोग फ्राई करो, देखना बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, इतना ही हम लोगों को करना है, प्याज को भूनना है। अब एक टमाटर हम लोगों ने जो रखा था चॉप कर लिया, उसी को डाल देंगे। तो ये अभी बहुत जूसी जो छीट रहा है, इसे जल्दी से ढक्कन से ढक देते हैं ताकि ये हम लोगों के ऊपर ना छीटे। हो गया है 1 मिनट के बाद, आप लोग देख रहे हो अब ये नहीं छीट रहा है। अब एक एक करके हम लोग डालते जाएंगे। इसमें क्या डालेंगे? हल्दी, हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इसे मिक्स कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से। गैस का फ्लेम ना इसी टाइम स्लो कर देना है। अब हम लोग डाल देंगे इसमें मसाला जो पेस्ट करके रखा था। बहुत ही हेल्दी है, आप लोग चाहे तो इसमें और भी रिच करने के लिए ज़्यादा मसाला यूज़ कर सकते हो।
नहीं तो ये बहुत ही हेल्दी है, आप लोग देख के तो समझ ही रहे हो। और ये मटर वाला ग्रेवी से होता क्या है ना, जो हम लोग फूल गोभी का सब्जी बनाएंगे, इतना गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी बन जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हम लोगों ने डाला क्या है। 1 चम्मच नमक, नमक आपको सोचते हुए यूज़ करना है, फूल गोभी और आलू जब फ्राई किया तब भी डाला था। 1 चम्मच जीरा पाउडर, जीरा पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम रख के हमें भूनना है। तेल जैसे ही मैंने बोला, तेल आप लोग कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, बहुत लोग कम तेल यूज़ करते हैं, बहुत लोग ज़्यादा। जो जार में जो मसाला जितना लगा था उसमें पानी डाल के, इसमें थोड़ा सा डाल के अब भूनेंगे। मसाला भूनते भूनते थोड़ा सा पानी डाल के भूनने से बहुत ही अच्छा भून जाते हैं और बहुत ही जल्दी से ये पक भी जाते हैं। इसे होने देते हैं, मिक्स करते रहेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये मसाला बिल्कुल भी जल ना पाए। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी हद तक हो गया है, मसाला चिपक नहीं रहे हैं और हल्का सा तेल इसमें से छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तेल तो यहाँ पे यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये है हेल्दी रेसिपी। आलू यहाँ पे फ्राई किया हुआ, अब ये इस टाइम मसाला जब भून जाए तब हम लोग डाल के मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि आलू के अंदर भी ना ये मसाला का फ्लेवर एकदम घुस जाए। तो बहुत अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, आप लोगों का 1 लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी। अब पानी डाल देते हैं, मैं यहाँ पे गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। जो भी लोग नया खाना बनाना सीख रहे हो तो पानी एक साथ में ढेर सारा डाला मत करो, थोड़ा सा डाल के एक बार चला के देखना पड़ता है कि पानी और चाहिए कि नहीं, नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अंदर अब डालेंगे मटर, थोड़ा सा मटर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हम लोग। मटर तो आप लोग ज़्यादा पसंद है तो यूज़ ज़्यादा कर सकते हो। इसको अब हाई फ्लेम में करके हम लोग ढक देंगे, इसे अब होने देते हैं। बीच बीच में हम लोग चला के देखेंगे, ग्रेवी यहाँ पे काफ़ी जब गाढ़ा हो जाए ना तब हम लोग डालेंगे फूल गोभी। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रेवी कितना गाढ़ा हो गया है। फूल गोभी इस टाइम डालने से होता है, जो खाने लगो ना तो फूल गोभी एकदम जैसे हम लोग ने पीसेस बनाया, फूल गोभी पक जाए लेकिन पीसेस भी हम लोगों को मिले, ऐसा ना हो कि मसाला में फूल गोभी एकदम टूट फूट के मिल जाए, कि फूल गोभी का नामो निशान ही ना रहे, पता ही ना चले कि फूल गोभी का सब्जी खाए जा रहे हैं हम लोग, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसे फिर से हम लोग ढक देंगे और इसे होने देते हैं जितना हम लोगों को ग्रेवी रखना है। मसालेदार फूल गोभी का सब्जी, सूखा वाला फूल गोभी का सब्जी, फ्राई किया हुआ फूल गोभी बहुत खाए होंगे, लेकिन मेरा ये दावा है इतना हेल्दी और टेस्टी फूल गोभी आप लोगों ने कभी नहीं खाए होंगे। तो एक बार बना के ज़रूर देखना, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेंगे। तो यहाँ पे ना आप लोगों को देखना कि ग्रेवी हम लोगों को कितना रखना है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा और हल्का सा गाढ़ा करना है। आप लोग फूल गोभी देख रहे हो, पूरा पीसेस है यहाँ पे और फूल गोभी पक भी गए हैं जैसे कि हम लोग चाह रहे थे। और एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दिया, मसाला इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, और बल्कि मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर भी यूज़ नहीं किया है। आप लोग चाहे तो इसे कलरफुल करने के लिए कश्मीरी मिर्च का पाउडर या फिर रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हो, ताकि बहुत ही कलरफुल बने। अब ये रेसिपी कंप्लीट हो गया है, गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। आप लोग जानते ही हो गैस का फ्लेम स्लो कर देने से जितना भी तेल है ऊपर आने लगता है। इतना देर आप लोग देख रहे थे कि तेल इसमें डाला है, पता ही नहीं चल रहे थे। अब इसमें से हल्का सा तेल का एक लेयर आ जाते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, कम तेल में भी देख के लगता है कि इसमें तेल बहुत है। तो आप लोग चाहे तो, मैंने बार बार कहा ही है, आप लोग ये कमेंट मत करना कि तेल बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया है। आप लोग चाहे तो और भी कम तेल में यहाँ पे बना सकते हो। अब ये कंप्लीट रेसिपी हम लोग कर देंगे सर्व, गर्मा गर्म टेस्टी सा हेल्दी सा फूल गोभी का रेसिपी बन के तैयार है। अब बारी है इसे खाने का, चावल हो या फिर रोटी पराठा, खा के इंजॉय करिए हेल्दी टेस्टी फूल गोभी का सब्जी। ऐसे ही टेस्टी हेल्दी और यूनिक सा रेसिपी देखने के लिए जुड़े रहना लाभ किचन चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।